हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सिक्स। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर सेकंड। आज हम लोग हिंदी में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम दिया गया है हम किसके फूफा जी हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर से ध्यान से सुनिए, हम किसके फूफा जी हैं। पाठ परिचय। पाठ परिचय में दिया गया है, आप अपने को सबसे चालाक समझने वाले फूफा जी से जब एक ठग ने ठगी कर ली, तब उन्हें समझ में आया कि हमें समझदारी से काम लेते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। अब ये तो रही सीख यानी एजुकेशन, मुझको क्या शिक्षा मिली, ठीक है। लेकिन अब चलिए पढ़ते हैं। एक गांव में राम बुझावन सिंह रहते थे। वे अपने को गांव भर में सबसे चालाक समझते थे। दिन भर लोगों को अपनी चालाकी के किस्से सुनाते रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा, क्यों न कहीं घूम जाऊं, लोगों पर रौब जमाऊं। उन्हें लगता था कि कहीं घूमने जाऊं और सब पर अपना रौब जमाऊं, ठीक है। उन्होंने सोनपुर मेले जाने का निश्चय किया। एक सप्ताह पहले से ही घर भर उनके मेला जाने की तैयारी में लग गया। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं टूर पे या बाहर जाते हैं तो तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने भी किया। क्या नाम था उनका, गाँव के जो मेन पर्सन थे, राम बुझावन सिंह। ओके, आगे चलिए। वे स्वयं बड़े उत्साह से मेला जाने की तैयारी कर रहे थे। जरूरत की कोई चीज छूट ना जाए, इसलिए वे सारी तैयारी अपने देखरेख में करवा रहे थे। उन्होंने पत्नी से सारे अच्छे अच्छे कपड़े लाने को कहा। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे मेले में दो चार दिन ही तो रहना है, आप सारे कपड़े ले जाकर क्या करेंगे। यानी कहीं जाना है तो दो ही चार पीस कपड़े रखने पड़ेंगे। लेकिन वे क्या कर रहे थे कि वह ढेर सारे कपड़े रख रहे थे। वहीं रहने का विचार है क्या, उनकी पत्नी ने उनसे पूछा। राम बुझावन सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनके जैसे चालाक व्यक्ति को कोई समझाए। उन्होंने पत्नी को डांटते हुए कहा कि तुम नहीं समझोगी मुन्ने की माँ, अधिक कपड़े रखने से लोगों पर रौब पड़ता है। कैसा होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता ना, लोग मुझे धनी मानी आदमी समझे। क्या सुबह दोपहर शाम कपड़े चेंज करने से कोई धनी हो जाता है। मैं सुबह पहला कपड़ा, दोपहर दूसरा, तीसरा शाम को इस प्रकार से पहनूंगा तो लोग मुझे बड़ा आदमी समझकर मुझे प्रणाम करेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि सुबह दोपहर शाम रात वे चार बार कपड़े बदल रहे थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, खाने का कौन कौन सा सामान बनाना है याद है कि नहीं, पचासों बार बता चुका हूँ, पर तुम लोगों का क्या ठीक भूल जाओगे। एक बात और सुन लो, पुआ, मालपुआ, पूरी, दो तरह की सब्जी, अचार, चटनी, खजूर और सुनो चूड़ा, मीठा और मकई और चना एवं चना का भूजा जरूर रख देना। पत्नी ने उबते हुए कहा, सब सामान तैयार है, आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर बाद उनकी पत्नी ने डरते हुए कहा, मुन्ना कह रहा था कि यह सब सामान ढोकर ले जाने की क्या जरूरत है, सब सामान तो होटल में मिलता ही है। क्योंकि कहीं भी घूमने जाते हैं तो बाहर में ऐसे वेट बढ़ जाएगा, बाहर तो मिलता ही है, ज़्यादा लोड करके जाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उनको क्या था, प्राउड फील हो रहा था, ठीक है, धौंस जमाना था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये गुस्से से उबल पड़े, अरे तुम लोग मुझे पढ़ा रहे हो, मैं गांव भर के लोगों को पढ़ाता हूँ, मुन्ना ने अभी देश दुनिया नहीं देखी, सिर्फ किताबी बातें करता है। उन्होंने एक एक सामान स्वयं ही चेक किया। फिर उन्होंने बोरे में लोटा, बाल्टी, रस्सी, थाली, कटोरा, चम्मच, गिलास, तकिया, गद्दा, चादर और सरियाया आदि सरियाया यानी इकट्ठा किया। पत्नी कुछ कहना चाहती थी पर उनके गुस्से को याद कर चुप रह गई, ठीक है। क्या कहते हैं, जब सामने वाला पर्सन गुस्से में रहता है तो व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। उसकी पत्नी ने वैसे ही किया। वे मेले में पहुंचे, चारों तरफ चहल पहल थी। बहुत से लोग नहाने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे। उनके सिर पर एक बोरा, पीठ पर गठरी, एक हाथ में बक्सा, एक हाथ में झोला था। सामान के बोझ से परेशान वे धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक 18-19 साल का एक सुंदर लड़का उनके सामने आया और पैर छूकर बोला, प्रणाम फूफा जी। वे अचकचा गए, अचकचा यानी कि सहम गए, डर से गए और सोचने लगे, फूफा जी उनका तो कोई साला नहीं है, इस लड़के को कभी देखा भी नहीं है। फूफा जी कैसे, वे कुछ पूछते। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर से देखिए। फिर फूफा जी वे कुछ पूछते कि इसके पहले ही वह लड़का मीठे स्वर में बोल पड़ा, मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। असल बात यह है कि फूफा की शादी के बाद पिताजी का जन्म हुआ, आप शादी के बाद कभी आए नहीं, फिर भला मुझे पहचानोगे कैसे। इसी कारण तो मैं कितने दिन से नहीं आ रहा था। मैं इस जिसे फूफा जी कहूँगा वह मुझे पहचानेगा नहीं और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझे ठग समझेंगे, पर क्या करूँ, दीदी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, कई दिनों से होश नहीं है, जब होश आता तब कहती है कि
एक परिवार पाहुन को देख लेती, पता नहीं उसकी अंतिम इच्छा पूरी होगी या नहीं। इतना कहकर लड़का रोने लगा। राम बुझावन उसे चुप कराने लगे। लड़का फिर बोला, मैं गांव गया तो पता चला कि आप मेला आए हैं। फूफा ने तो मुझे पहचान लिया, कहा कि एकदम अपने दादा पर गया है, उन्होंने मुझे आपका हुलिया बताया। स्टूडेंट्स, आपके पास बुक तो होगी ही, रीडिंग लगा लीजिए, फिर भी मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रही हूँ। राम भुजान बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा, घबराओ नहीं बुआ बबुआ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। वे दोनों बतियाते हुए नदी के किनारे पहुँचे। लड़का उनके कान में फुसफुसाते हुए बोला, फूफा जी सावधान रहिएगा, यहाँ बहुत चोर उचक्के घूमते हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ, आप मेरे कपड़े देखते रहिएगा, नहीं तो कोई लेकर भाग जाएगा। यह कहकर लड़का नहाने चला गया। नए नए बने फूफा जी उनके उसके कपड़ों की रखवाली करने में वे मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उस लड़के को भेज दिया, वरना उनके सामान की रखवाली कौन करता। वह लड़का नहा कर आया तो वे भी उसे अपने सामान की रखवाली करने के लिए कहकर नहाने चले गए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, वे ससुराल जाने के नाम पर मन ही मन खुश रहे थे। सोच रहे थे, नहाकर खूब अच्छा कुर्ता धोती पहनकर सीधे यहीं से सीधे ससुराल चले जाएंगे। अच्छा हुआ सारे कीमती कपड़े ले आए, ससुराल में खूब ठाट से पहनेंगे, वहाँ खूब रौब जमेगा। उन्होंने काफ़ी देर तक खूब देह मलमल कर नहाया। जी भर कर नहाने के बाद उनके सामान जब सामान के पास पहुँचे तब न तो वहाँ सामान था न लड़का। उन्हें लगा कि वे भूल रहे हैं उनका सामान दूसरी तरफ। वे जल्दी जल्दी उधर गए पर वहाँ भी कुछ नहीं था। वे कमरे में गमछा लपेटे हुए और शरीर भीगा था, भीड़ में जिससे उनका शरीर छू जाता वही उनका उल्टा सीधा कहता, पर वे इस पर ध्यान दिए बिना चारों तरफ उस लड़के को सामान खोज रहे थे। लोगों ने उनकी राम कहानी सुनकर समझाया, अरे वह कोई ठग होगा, तुम्हारे साले का लड़का वड़का नहीं, वह अब नहीं मिलेगा, मेले में बहुत सारे ठग घूमते होंगे। इस पर उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्हें जैसे चालाक व्यक्ति कोई ठग गया। वे हाथ जोड़कर लोगों के झुंड के आगे खड़े होकर रोनी आवाज में कहते, ए बबुआ, इसमें से एक किसके फूफा, हम किसके फूफा जी हैं। झुंड में कुछ लोग हंसते, कुछ लोग झुंझलाते, लड़के उन्हें धक्का मार कर आगे बढ़ जाते। वे फिर झुंड के सामने हाथ जोड़कर रोनी आवाज में कहते, ए बबुआ, इसमें से हम किसके फूफा जी हैं। झुंड में कुछ लोग हंसते, कुछ झुंझलाते, कुछ धक्का मार कर आगे बढ़ जाते। फिर वे तीसरे झुंड के सामने उसी तरह कहते, ए बबुआ, इसमें से हम किसके फूफा जी हैं। कहानी समझ में आ गई, मतलब इतने चतुर चालाक थे फिर भी वे ठग गए। इस कहानी को लिखा जितेंद्र वर्मा ने NBT के सौजन्य से। कहानी अच्छी लगी, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड बार आपको सेकेंड वीडियो दी जाएगी।